हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स इसका रिव्यू क्वेश्चन 3 to 6 डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन तो आपको ऑलरेडी पता है कि हम मिक्सचर ऑफ लिक्विड को प्योर करने के लिए सेपरेट करते हैं, सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, ये एक्चुअली एब्सेंस ऑफ एयर में होता है। ठीक है, एयर की एब्सेंस में होता है। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी, हमने इसको क्लोज है ये पूरा, यानी एयर इसके अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड मटेरियल टिपिकली अ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल वुड इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड लिक्विड। और जब हम इसको बर्न करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, तो हमारे पास गैसेज और लिक्विड का मिक्सचर आता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। किन चीज़ों की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, जैसे कोल है फॉर एग्जाम्पल, और हमें मिलता क्या है प्रोडक्ट में, हमें कोक मिलेगा, कोल टार मिल सकता है, विनीगर मिल सकता है, चारकोल मिल सकता है, ये तमाम चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं। अच्छा, डिफाइन करना चाहें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को, तो हम कैसे कर सकते हैं, अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सॉलिड बाय हीटिंग इट इन अ क्लोज कंटेनर एंड कलेक्टिंग द रिजल्टेंट वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट एंड इज मेनली यूज फॉर डिस्टिलेशन ऑफ कोल। और ये हम आमतौर पर यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन ऑफ कोल के लिए। ठीक है, इट शॉर्ट है तो इतना काफ़ी आई थिंक। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, लिस्ट सम मेजर सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है, जो हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट मोस्टली ऑर्गेनिक इन नेचर होती है, तो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। वैसे तो प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन हम कुछ देख लेते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन एटम, उनके अंदर कार्बन होते हैं, दे कम्पोज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड है फंक्शनल ग्रुप, इसके अंदर स्पेशली फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम डेट डिटरमाइन द कंपाउंड्स केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और है उसके अंदर अलग तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, हर फंक्शनल ग्रुप की अलग प्रॉपर्टी होती है। दे आर यूजली लेस डेंस एंड लेस स्टेबल देन और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके मुकाबले में ये कम स्टेबल होते हैं, और डेंसिटी भी इनकी कम होती है, इन लाइट होते हैं, मोस्टली वोलाटाइल भी होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर टिपिकली इनफ्लेमेबल एंड हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, इनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है इनऑर्गेनिक के मुकाबले में, और ये फ्लेमेबल यानी जलने की सलाहियत रखते हैं। जैसे वुड वगैरह है, कोल है, कोक है, और ये मीथेन गैस है। दे ऑफन हैव स्ट्रॉन्ग ऑर्डर और टेस्ट एंड आर ऑफन यूज इन फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर। और इनकी ऑर्डर, इनकी स्मेल अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होती है, टेस्ट में इसका स्पेसिफिक होता है, तो इसको हम फ्लेवर और फ्रेगनेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑफन यूज एज फ्यूल एंड सॉल्वेंट। इसको हम फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेट्रोल आपको पता है, केरोसिन ऑयल है, और इसको हम एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं, जैसे बेंजीन है। ठीक है, दे आर द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये उनका मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, अब ये कुछ यहाँ पे डायग्राम दी हुई है, ये सारे के सारे जो है वो हमारे मेजर सोर्स है अल्केन के। ठीक है, हमारे क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट मेजर कमर्शियल सोर्सेज ऑफ अल्केन। हमें अल्केन के कुछ सोर्सेज बताने हैं, तो ये मेजर सोर्सेज हैं जो कि हमें नज़र आ रहे हैं, जैसे शुगर है, नेचुरल गैस है जैसे मीथेन गैस है, कोल है, लकड़ी वगैरह हम चलाते हैं, और ईस्ट है, बैक्टीरिया है, ये सारे के सारे क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। एनिमल और प्लांट भी इसी में आते हैं, ये जो है अल्केन के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमें कुछ जो है इसके रिटर्न में भी देख लेते हैं, जैसे पहला नेचुरल रिसोर्स हमारे पास नेचुरल गैस है, जो अल्केन हमें प्रोवाइड करता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे नेचुरल गैस होते हैं। पेट्रोलियम को ले लो, जिसके अंदर अल्केन होते हैं, जैसे हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये क्रूड ऑयल के अंदर मौजूद होता है, जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, रिफाइनिंग के प्रोसेस से अलहदा किया जाता है। कोल है, जो हम जलाने के पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी अल्केन है, और ये भी हम कोल लिक्विफिकेशन के तौर के
तरह से इसको यूज़ किया करते हैं। और आमतौर पे जो मेटल के एक्सट्रैक्शन की जाती है उसमें कोल इस्तेमाल किया जाता है। बायोमास है, अल्केन कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस फ्रॉम बायोमास थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड पायरोलिसिस, ठीक है, और थ्रू फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे अदर बहुत मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिक सब्सटेंस की फर्मेंटेशन से जो हमारा एंड प्रोडक्ट बनता है उसको हम बायोमास कहते हैं, उसको भी बर्निंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, शेल ऑयल, अल्केन ऑल्सो फाउंड इन शेल ऑयल विच इज़ एक्सट्रैक्टेड थ्रू द फ्रैकिंग प्रोसेस। फ्रैकिंग प्रोसेस यानी तोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसमें भी हमें जो है अल्केन प्रोड्यूस होता है। अच्छा, सिंथेटिक अल्केन भी यानी बनाया भी जा सकता है। सम अल्केन लाइक मीथेन, इथेन एंड प्रोपोन कैन बी प्रोड्यूस थ्रू केमिकल सिंथेसिस, उसको केमिकल सिंथेसिस के उससे भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप दे कंटेन एंड सर्किल द फंक्शनल ग्रुप। हमें ये कुछ सब्सटेंस दिए हुए 6 है, इनके हमें आइडेंटिफाई करना है इसका फंक्शनल ग्रुप को एंड सर्किल करना है, बताना है हमें कि इसके अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। अच्छा सर, ये स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप का पता होना चाहिए। देखिए, हाइड्रोकार्बन कार्बन हाइड्रोजन होता है, एरोमेटिक हो सकता है, हेट्रो यानी मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, सिंपल ऑक्सीजन हेट्रो कार्बन हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, कार्बोनाइल कंपाउंड भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड भी हो सकता है। इन तमाम के बेसिस पर ये कुछ कॉमन जो है फंक्शनल ग्रुप के नाम है। जैसे अल्कीन है, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, अल्कीन एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो सकता है, अल्काइन एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, आरीन जिसके अंदर हमें एक अल्काइल ग्रुप होता है बेंजीन ग्रुप के साथ, हेलो अल्किन कोई भी एक हेलोजन जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन अगर हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच हो तो हेलो ग्रुप हो जाता है, एल्डिहाइड सीएचओ ग्रुप होता है, कीटोन्स कार्बोनाइल सीओ ग्रुप होता है, और अल्कोहल होता है OH ग्रुप होता है, ईथर होता है जिसके अंदर दोनों साइड पे कोई भी हाइड्रोकार्बन लगा होगा, बीच में ऑक्सीजन की लिंकेज होगी, अमाइन NH2 अगर किसी हाइड्रोकार्बन के साथ ग्रुप लगा होता है अमाइन कहलाता है, कार्बोक्सिलिक COOH किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होता है, एस्टिक एनहाइड्राइड भी होता है, इसी तरह ईस्टर होता है, ये भी आपके उसके अंदर सिलेबस में मौजूद है। ईस्टर के अंदर हमारे पास दो ऑक्सीजन एक कार्बोनाइल ग्रुप भी होता है और एक ऑक्सीजन की लिंकेज के साथ एक और हाइड्रोकार्बन यानी दो हाइड्रोकार्बन इसके साथ अटैच होते हैं, अमाइड होता है NH2 जिसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप भी होता है, एसाइल हैलाइड भी होता है जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप और कोई भी हैलोजन अटैच होते हैं। ये तो कुछ कॉमन जो है फंक्शनल ग्रुप है। अब हम इसी को देखते हुए हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहला वाला हमारा जो है इसके अंदर डबल बॉन्ड हम ऑब्जर्व करें तो ये अल्कीन कहलाएगा, सेकंड, ठीक है। सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो COOH है यानी कार्बो ऑक्सलिक एसिड कहलाएगा। तीसरे वाले की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे जो है COOH मिल रहा है तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। चौथे वाले की बात करें तो सेंटर में हमें यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप मिल रहा है और यहाँ पे दोनों साइड पे हमारा जो है वो अल्काइल रेडिकल है, दिस मींस ये कीटोन कहलाएगा। और लास्ट वाला यहाँ पे ऑक्सीजन की लिंकेज हमें नज़र आ रही है तो इट मींस कि ये ईस्टर कहलाएगा। और आखिरी वाला जो है हमारा एल्डिहाइड कहलाएगा क्योंकि आखिर में CHO ग्रुप होगा। होप्स हो कि आप ये इस काबिल होंगे कि यह सॉल्व कर लें आराम से क्वेश्चन नंबर 3 to 6। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू।